जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमोर्फ है, इसीलिए वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है और वो वेट बढ़ाना चाहता है, मसल साइज भी जो है बढ़ाना चाहता है, बट वो मास गेनर नहीं लेना चाहता, तो कैसे वो वे प्रोटीन से अपना वजन बढ़ा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स का इतने टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम ना तो डायमेटाइज इलीट के बारे में बात करेंगे, ना ही हम वन साइंस वे प्रोटीन के बारे में, ना ही प्रोस्टार के बारे में। तो हम बात क्या करेंगे, बात करेंगे आपकी एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन और एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमोर्फ है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है और वो वेट बढ़ाना चाहता है, मसल साइज भी जो है बढ़ाना चाहता है, बट वो मास गेनर नहीं लेना चाहता, तो कैसे वो वे प्रोटीन से अपना वजन बढ़ा सकता है। इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा क्वेरीज आपकी आती हैं। काफी लोग कहते हैं कि मास गेनर लेने ही नहीं चाहिए, वो तो बेकार होते हैं, उसमें माल्टोडेक्सिन होता है, उसमें ये होता है, वो होता है। चलिए हम आपकी सारी बातें मानते हैं कि हाँ ठीक है कि आप जो है मास गेनर से नहीं वजन बढ़ाना चाहते, आप मास गेनर नहीं लेना चाहते, देन आप कहते हैं कि प्रोटीन से फिर वेट कैसे बढ़े। तो अब इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे आपको कि कैसे आप प्रोटीन से वजन बढ़ा सकते हैं या बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता और बढ़ेगा तो कैसे। दोस्तों देखिए, मास गेनर और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। देखो मास गेनर तो एक कंप्लीट मील होती है जिसमें प्रोटीन भी, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स सारी चीजें होती हैं जो कि वजन भी बढ़ाएंगी, आपका जो है मसल साइज भी गेन कराएंगी स्किनी बॉडी वालों के लिए। पर काफी बार क्या है कि मास गेनर को लेना पसंद नहीं करते, बॉडी स्किनी है बट स्टिल मास गेनर नहीं लेना, और अब आप जो है प्रोटीन से वजन बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि प्रोटीन करता क्या है। देखिए प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग करता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है, देन मसल रिपेयर होती है, मसल बिल्डिंग करता है वो, तो प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ता, पहली चीज आप ये समझेंगे। बट क्या हम वे प्रोटीन से वेट बढ़ा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, अगर हम प्रोटीन का यूज करें वेट बढ़ाने के लिए तो कैसे करना है ये समझना जरूरी है। बस देखिए दोस्तों, जैसे वे प्रोटीन है, अगर आप इसे नॉर्मली पानी में लेते हैं तो ये प्रोटीन की तरह ही काम करेगा, मसल बिल्डिंग कराएगा, इंस्टेंट रिकवरी कराएगा। बट दोस्तों अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट को, वे प्रोटीन पाउडर को दूध में लेते हैं, साथ में आप एक आध बनाना ऐड कर लो, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, डेट्स ऐड कर लो, आप जो है एक आध ब्राउन ब्रेड ऐड कर लो पीनट बटर के साथ, तो इस तरीके से आप अगर एक मील की तरह इसे लेंगे तो ये आपका वजन भी बढ़ा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट दोस्तों एक दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको वे प्रोटीन दूध में ही नहीं लेना, उसके साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने बताया बनाना ऐड हो गए, आपके डेट्स ऐड हो गए, आपके जो है ब्राउन ब्रेड ऐड हो गया, तो इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करने हैं क्योंकि वजन जो हमारा बढ़ेगा वो बढ़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स और मसल बिल्डिंग होगी प्रोटीन से, ये समझ गए आप। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट को लें दूध में तो आप उसको हाफ स्कूप लें और दूध की क्वांटिटी कम से कम 600 ml रखें, 500-600 ml और हाफ स्कूप लें, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेजरली जितने भी जो वे प्रोटीन आते हैं उनमें 25 ग्राम प्लस ही प्रोटीन होता है, तो आप जो अगर हाफ स्कूप भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो है हम समझ सकते हैं कि भाई 12-14 ग्राम प्रोटीन आपको जो है वे प्रोटीन इससे मिल गया पाउडर से, आपने वो दूध में लाया तो दूध अगर आपने 500 ml भी लिया तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन दूध का भी डिल्यूट हो जाएगा, तो ये जो है आपका एक 30 ग्राम प्रोटीन का एक सेट सा बन गया है। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है आपको पीनट बटर वगैरह और जो आप ब्राउन ब्रेड वगैरह लेंगे वो ना के बराबर होता है उसमें, बट स्टिल भी थोड़ा बहुत आपको वहां से भी मिल जाएगा, तो 30 ग्राम के आसपास जो है आपका प्रोटीन इंटेक एक बार का हो गया है। तो इस तरीके से आप अगर इसे यूज करेंगे तो ये आपका वजन भी बढ़ाएगा, बट अगर आप इसे सिर्फ दूध में लेंगे तो वजन उसमें भी बढ़ने के चांसेस काफी कम है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ऐड करने ही होंगे ताकि आपका वेट पुट ऑन हो सके। और हाफ स्कूप आप इसे लीजिए और बेशक आप इसे दिन में जो है 2-3 बार भी ले सकते हैं। बट दोस्तों यहां पर एक चीज और समझने की है कि जब आप इसे दूध में यूज करेंगे ना तो ये फिर एक तरीके से ना मतलब गेनिंग का काम करेगा उस टाइम पर, ये इंस्टेंट मसल रिकवरी का काम जो है इसका सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि वे प्रोटीन सप्लीमेंट को पानी में लिया ही इसलिए जाता है ताकि वो जल्दी पचे, जल्दी इंस्टेंट रिकवरी दे। बट अगर आप इसे दूध में लेंगे फिर जो है ये मतलब पचने में एक टाइम लगाएगा, फिर तो
मतलब इंस्टेंट जो रिकवरी वाला जो गोल है वो तो साइड में ही हो गया ना, तो ये जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा। बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वे प्रोटीन से भी वेट पुट ऑन कर सकते हैं। मास गेनर अगर आप चूज नहीं करना चाहते, मास गेनर्स अगर आपकी नजरों में बेकार हैं, तो आप वे प्रोटीन से भी वजन बढ़ा सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूं स्किनी बॉडी वालों के लिए जो वे प्रोटीन से वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज करें, दिन में 2 से 3 बार आपका वेट पुट ऑन होना लगेगा। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है वे प्रोटीन से वजन बढ़ाने का, सिर्फ इसी से वजन बढ़ जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपना जो है कैलोरी सरप्लस पे रहना होगा, अपनी नेचुरल डाइट पर भी पूरा फोकस आपको करना होगा ताकि आपका वेट पुट ऑन हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, डाइट जो है हमारी वो बेस रहने वाली है, सप्लीमेंटेशन हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। अगर आप सपोर्ट के भरोसे रहेंगे और बेस को इग्नोर करेंगे तो बिल्डिंग नीचे गिरेगी ही गिरेगी। बेस को पहले मजबूत कीजिए, नींव को मजबूत कीजिए, और सपोर्ट का जो है नो डाउट आप लीजिए उसे, बट उसी पर भरोसे ना रहें। आपको समझना होगा कि बेस हमारा हमेशा डाइट ही रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आप समझे होंगे कि वे प्रोटीन से कैसे आप वजन बढ़ा सकते हैं। फिर भी आपको जो है कोई डाउट है, कुछ मन में सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछिए इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल एक सप्लीमेंट से, आपकी कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे। तब तक के लिए बचें फेक माफिया से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स वाला को याद रखें। नमस्ते।